हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अब उसूली फैसले करने का वक्त आ गया, जिसका इतलाक मुझ समेत सब पर होगा। हर एक शख्स को पार्टी फैसलों की पाबंदी करना होगी। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर दो टोक पैगाम, कहा हमने तसादुम की राह इख्तियार नहीं की, उसूलों पर खड़े हैं, देखते हैं कौन हटाता है। नवाज शरीफ केसेस का सामना करने के लिए तैयार, कल एहतसाब अदालत में पेश होंगे। नैब रावलपिंडी की टीम ने अदालती समन की तामील पर नवाज शरीफ के दस्तखत भी करवा लिए। साबिक वजीर आजम की जेरे सदारत लीगी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस को यकजा करने पर समाअत, इल्जामात और गवाहान एक हैं, तीनों रेफरेंसेस को यकजा किया जाए। नवाज शरीफ की दरखास्त से मौकिफ, दरखास्त पर फैसला महफूज, कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। से बाहर रखना किसी इंसान के बस का नहीं है, ये तो एक तो अल्लाह ताला के फैसले और उसके बाद ये पाकिस्तान के अवाम के फैसले। नून लीग को इख्तदार से बाहर रखना किसी के बस में नहीं, नवाज शरीफ की वापसी से कुछ लोगों को मायूसी हुई। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खानदान में इख्तलाफात की बातों में हकीकत नहीं है, इख्तलाफात की तवक्को रखने वालों को नाकामी होगी। और ये इससे ज़्यादा बेरहमाना यानी कि एहतसाब किसी का हो नहीं सकता, और एहतसाब नहीं है, इसमें इंतकाम की बू आती है। और ये जो इंतकाम है ये शायद इसलिए लिया जा रहा है कि उसने बिजली के कारखाने बनाए हैं, इसलिए लिया जा रहा है कि आज लोड शेडिंग नहीं है। एहतसाब नहीं, इंतकाम की बू आती है, क्या मईशत की बेहतरी और लोड शेडिंग के खात्मे का एहतसाब लिया जा रहा है? सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का सवाल, कहा सजाओं से नवाज शरीफ को शिकस्त नहीं दी जा सकती, नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए जीटी रोड पर सन्नाटा लाजमी। नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत का सामना कर रहे हैं, 300 अरब की कौमी दौलत भी बैरून मुल्क छुपाई। वजीर आजम कैसे नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दे सकते हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सवाल, कहा अवाम के पैसे पर नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देना शर्मनाक है। मुल्क 500 खानदानों की मीरास बना हुआ है, जिस शहर की आबादी को सही गिना ना जाए वहां मईशत क्या होगी? फारूक सत्तार का जामिया कराची में खिताब, कहा इलेक्शन कमीशन ने कराची के 1,40,00,000 आबादी की फैमिली प्लानिंग कर दी, एमक्यूएम 5 नवंबर को लियाकताबाद में जलसा भी करेगी। मौजूदा हुक्मरान खुशहाल पाकिस्तान नहीं दे सकते, हुक्मरानों ने करप्शन में दुनिया भर में नाम पैदा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लफ्जी वार, कहा मुल्क में तमाम इकसाम के माफिया का राज है, करप्ट अफराद को गिरफ्तार कराकर जेल में डालेंगे, विफाक फाटक को केपीके में जम क्यों नहीं कर रहा? शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस चल रहे हैं लेकिन नाम ईसीएल में नहीं डाला जा रहा, नैब कपी पुष्पाती और नून लीग के साथ दोहरा मयार है। वजीर इत्तला'आत सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, सिंध असेंबली इजलास में शिरकत के लिए शर्जील मेमन को आज भी बख्तर बंद गाड़ी में जेल से लाया गया। वजीर खजाना इसाक डार और वकील ख्वाजा हारिस एहतसाब अदालत से गैर हाजिर, इसाक डार के असासाजात रेफरेंस में काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार, अदालत ने नैब को मेडिकल रिपोर्ट की तस्दीक का भी हुक्म दे दिया, समाप्त 8 नवंबर तक मुलतवी। शर्किया में सियासी पावर का मुजाहिरा करेगी, जलसे के लिए इंतजामात मुकम्मल, कप्तान के खिलाड़ियों के आमद का सिलसिला भी जारी, पंडाल में पार्टी नगमों की गूंज, खिलाड़ियों ने रक्स करके समा बांध दिया।
इलेक्शन कमीशन में पार्लियामेंटेरियंस के गोशवारों का मामला, कैप्टन ऑफ द रिटायर्ड और आयशा गुललई की असेंबली रुकनियत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने 7 अरकान कौमी और सूबाई असेंबली की रुकनियत भी बहाल कर दी। इस्लामाबाद में पैदल चलने के लिए फुटपाथ नाम की चीज नहीं, सिर्फ कीमती गाड़ियां रखने वालों की फिक्र की जा रही है। सीडीए अफसरान को बता दें, वो हराम खा रहे हैं। जस्टिस फायज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, हुकूमत, इस्लामाबाद इंतजामिया और सीडीए को शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मारगला में दरख्तों की कटाई केस में डीजी माहौलियात और डीजी स्टेट के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बहुद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी में मुनशियात स्मगलिंग का मामला, सिक्योरिटी गार्ड मुमताज डॉन साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। पेशावर में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी का फैक्ट्री पर छापा, बड़ी तादाद में जाली अद्वियात बरामद। फैक्ट्री सील करके मशीनरी जब्त कर ली, मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लाहौर के जनरल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ एक बार फिर सरापा एहतजाज, सरकारी अस्पतालों में मुआशी कत्लेआम रोका जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा, ओपीडी में काम बंद, हड़ताल के 22 मरीज परेशान। कराची में काली भेड़े सरगर्म, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिल सवारों से रिश्वत वसूली, फुटेज मंजरेआम पर आ गए। कराची में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, केएमसी ने सिटी कोर्ट के अतराफ से तजावुजात का खात्मा कर दिया। इंतजामिया को पुलिस की मदद भी हासिल। पंजाब भर में स्मोक का राज बरकरार, शहरियों का दिन और रात के औकात में घरों से बाहर निकलना महाल। सरकारी अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे, दमे के मरीजों को खास एहतियात की हिदायत। अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान और अमेरिका की एक जैसी सोच है। अमेरिका भी पाक अफगान सरहद पर बाढ़ को जरूरी समझता है। नए तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल की पहली हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा अक़वाम मुत्तहिदा को जल्द मसले कश्मीर हल कराना चाहिए। शुमाली कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल को जदीद बनाने पर काम कर रहा है, जो अमेरिका को भी निशाना बना सकता है। अमेरिकी हुकाम का दावा, कहा शुमाली कोरिया न्यूक्लियर फ्यूल मिसाइल लॉन्चर्स और टारगेटिंग सिस्टम को भी मजीद बेहतर बना रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर हसन रूहानी की रूसी सदर से मुलाकात, कहा अमरीका को तनहा करने के लिए ईरान और रूस को तावुन करना चाहिए। ईरान और रूस मिलकर इलाकाई दहशतगर्दी से निपट सकते हैं। मुलाकात में जौहरी मुआहिदे से मुतालिक ईरान पर तनकीद का मामला भी ज़ेरे गौर आया। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा माइक फेलिन का ख्वातीन के साथ नारवा सलूक का एतराफ, ख्वातीन को हिरासा करने पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल मुसलसल 7वीं बार दुनिया की ताकतवर खातून करार। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स ने 100 खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। बरतानवी वजीर आजम थ्रेसा मे का दूसरा और इवांका ट्रंप का 19वां नंबर। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा भी जगह बनाने में कामयाब हो गई। न्यूयॉर्क हमले के इल्जाम में गिरफ्तार उज़्बेक शख्स सैफुल्ला साइपोव मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में पेश, दहशतगर्दी के इल्जाम आए। मुल्ज़िम दाइश की वीडियो से मुतासिर था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाने के लिए हैलोवीन के त्यौहार का इंतखाब किया। अदालत में बयान, हमले में मुलव्वस दूसरा उज़्बेक शख्स मोहम्मद ज़ाहिर कादिरोव गिरफ्तार। गुज़श्ता रोज होने वाले हमले में 8 अफराद हलाक हुए थे। न्यूयॉर्क हमले में अर्जेंटाइन के 5 दोस्तों की हलाकत से कबल की वीडियो जारी, 5 दोस्त